दोस्तों आज मैं आ गया हूँ मेरे टेरेस गार्डन में और करने वाला हूँ यहाँ से सब्जियों की हार्वेस्टिंग। तो देखिए आज ये 6 फीट वाली लौकी की भी हार्वेस्टिंग होगी, साथ में हम तोड़ेंगे ढेर सारे टमाटर, बैगन, ड्रैगन फ्रूट, नींबू, इस तरह की और सब्जियाँ, साथ में हम तोड़ेंगे ढेर सारी मिर्च। तो आपको देखना है वीडियो पूरा और साथ में बताना है कि कौन सी सब्जी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैंने ढेर सारी सब्जियां लगाना अभी शुरू कर दिया है, स्पेशली सर्दियों में जो सब्जियां मिलती हैं हार्वेस्ट करने, और जो सब्जियां हमने पहले लगाई थी अब उनसे हमें मिल रही है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ही सब्जियों से अभी हमें हार्वेस्टिंग मिल रही है जो हमने पहले लगा दी थी, लेकिन जितनी भी हार्वेस्टिंग है वो बहुत अच्छी है, तो आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हार्वेस्टिंग और तोड़ते हैं छत पर उगाई गई ऑर्गेनिक सब्जियां और रखते हैं इन्हें एक। आज की हार्वेस्टिंग की शुरुआत हम कर रहे हैं इन टमाटर से। ये टमाटर मैंने रेनी सीजन में लगा दिए थे तो जो अभी हमें हार्वेस्ट करने मिल रहे हैं ये देखिए। और ये जो टमाटर हैं वो 12x12 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए हैं और ये अभी चलेंगे थोड़े दिन, क्योंकि इनमें देखिए अभी भी आपको ऊपर दिखेंगे काफ़ी सारे टमाटर लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ से जितने भी ये रेड टमाटर हैं उन्हें तोड़ लेता हूँ। और आप नीचे देखेंगे तो इस तरह से ये 12x12 इंच के ग्रो बैग में टमाटर लगे हुए हैं और यहाँ पर देखिए ये 36x36x36 इंच 3 फिट बाई 3 फिट का ग्रो बैग है और इसमें भी आप देखिए जो टमाटर लगे हुए हैं वो भी रेड हो गए हैं। अच्छा, आप कितने रेड टमाटर तोड़ सकते हैं? तो देखिए जैसे ये टमाटर है इसको भी आप तोड़ सकते हैं, तो इस तरह से आप इसे मोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, यहाँ तक टमाटर तोड़े जा सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा टमाटर है और इसमें मतलब खट्टापन भी है तो खाने में बहुत अच्छा ये लगता है। तो अभी देखिए फिलहाल हमने यहाँ से जो है इतने टमाटर अभी हार्वेस्ट कर लिए हैं, थोड़े और टमाटर लगे हैं उन्हें और तोड़ लेते हैं। अब देखिए एक बैच हमारा टमाटर का यहाँ पर लगा हुआ है और इससे हम काफ़ी पहले से हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। तो देखिए और अभी इसमें कहीं कहीं आपको मिलीबग भी दिखेगा तो उसे आपको जो है टमाटर के पौधों को बचाना होगा मिलीबग से। देखिए तो काफ़ी अच्छे टमाटर और ऊपर तक लगे हुए हैं, पौधों की हाइट लगभग 4 से 5 फीट हो गई है टमाटर के। और ये पौधे भी रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में ही लगे हुए हैं, 48x24x12 इंच का ये रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है जिसमें मैंने 8 पौधे लगाए हुए हैं। अब देखिए यहाँ से ये टमाटर, तो ये देखिए टोटल अभी इतने टमाटर हो गए हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। आपको ये टमाटर की हार्वेस्टिंग कैसी लगी जरूर बताएं। दोस्तों ये है हमारी 6 फीट वाली लौकी और आप देखिए यहाँ पर ये लौकी कितनी लंबी हो गई है। तो जो ये ऊपर आज एक लौकी फंसी हुई है इसे मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ, इसे जब ये 3 फीट की हो जाए तब आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, तब ये खाने लायक हो जाती है। और इस तरह से मैं इसे यहाँ से निकालता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए अभी इसमें से इसका जो तेल है वो हटा देते हैं और इसे निकाल लेते हैं बाहर। इस क्रीपर नेट से, मैंने क्रीपर नेट लगा रखी है और ये देखिए तो ये मुड़ी होने के कारण ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, फिर भी ये अगर आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 3 फीट से ज़्यादा लंबी हो गई है। और इसको खाकर देखेंगे इसका टेस्ट कैसा है। पहली बार मैंने ये 6 फीट वाली लौकी लगाई है। अगर आपको इसके बीज खरीदने हैं तो बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा लॉन्ग बॉटल गार्ड सर्च करना है, लंबी लौकी के नाम से ये इस लौकी के बीज आपको मिलेंगे। तो इसे रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। दोस्तों ये लगा है मेरा ड्रैगन फ्रूट और आज मैं इसे हार्वेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और ये देखिए कितना अच्छा ड्रैगन फ्रूट मिला है। आज एक ही ड्रैगन फ्रूट हमें हार्वेस्ट करने मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे जो ड्रैगन फ्रूट हैं वो अभी ग्रीन है, तो इसे रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। दोस्तों ये है हमारा बैगन और आज हम यहाँ इसे काट रहे हैं, ये भरता बैगन है। तो ये जो बैगन के पौधे हैं ये हमने लगभग रेनी सीजन में लगा दिए थे और
ये देखिए, तो इस तरह से हम इसे काट लेंगे। और एक बैगन ये है, एक बैगन यहाँ पे लगा हुआ है, और दो बैगन मैंने पहले ही तोड़ लिए थे। ये देखिए, अब एक बैगन यहाँ पर है, यहाँ पर लगा है, ये देखिए। तो ये 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में जो है बैगन के पौधे लगे हुए हैं, और यहाँ से जो है हमें काफ़ी अच्छे बैगन मिल रहे हैं। अगर आप भरता बैगन खाने के शौकीन हैं तो आप इन्हें ज़रूर लगाएं। अब यहाँ पर है हमारा एक सीडलेस ब्रिंजल, सीडलेस बैगन। ये जब आप इस तरह से छोटे में ही इसे हार्वेस्ट करेंगे तो इसमें बीज नहीं बनेंगे, जब ये बड़ा हो जाएगा तभी इसमें बीज बनेंगे, या बहुत कम मात्रा में इसमें बीज बनेंगे। तो ये जो दो हमारे सीडलेस बैगन हैं वो आज हम यहाँ से हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए, इतने बैगन हमने हार्वेस्ट कर लिए। अब हम करेंगे कुछ छोटे वाले बैगन हार्वेस्ट, तो इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये हैं हमारे छोटे वाले बैगन, जो कि इस तरह से धारीदार होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा लगते हैं इनके पौधों में। मैंने 2-3 पौधे ही लगाए हुए हैं, उनसे ही हमें ढेर सारी हार्वेस्टिंग मिलती है, और ये काफ़ी लंबे समय से हमें जो है हार्वेस्टिंग दे रहे हैं। हमने रेनी सीजन में भी काफ़ी बैगन तोड़े हुए हैं, अगर आपने मेरी हार्वेस्टिंग वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा, और अभी भी कंटिन्यू इनसे हमें हार्वेस्टिंग मिल रही है। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे ये बैगन लगे हुए हैं, और अभी भी इनमें फूल भी आ रहे हैं। और ये छोटा ही होगा तो आप इसे ज़्यादा बड़ा जो है करने की कोशिश ना करें, छोटे में ही हार्वेस्ट कर लें तो आपका आपको अच्छा टेस्ट भी मिलेगा और खाने में भी ये अच्छा लगेगा इस तरह से। और जो इस तरह से पीले पत्ते होते हैं इन्हें हटा दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितने ज़्यादा हो गए हैं, अभी दो पौधों से ही हमने तोड़े हैं। अब एक और पौधा यहाँ पर है हमारा बैगन का पेड़, तो यहाँ से भी हम बैगन तोड़ लेते हैं और एक साथ रखेंगे। देखिए इस तरह से ये ज़्यादा मतलब गुच्छों में ही लगते हैं, 3-4 एक साथ, और फिर आप उन्हें तोड़ लीजिए और फिर इनका इस्तेमाल कीजिए खाने में। खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और इस तरह से इनका कलर होता है। तो ये बैगन आज हमें मिले हैं इतने छोटे वाले, इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये है हमारा जो पिंक बैगन होता है, ये मीडियम लॉन्ग, इसमें कुछ बैगन अभी लगे हैं तो इन्हें तोड़ लेते हैं। ये भी पुराना पौधा है हमारा, और इसे भी हमने अभी छोड़ा हुआ है, हटाया नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी बैगन आ रहे हैं। ये देखिए, तो अभी हमने 4 एक और लगा हुआ है, 5, तो 5 यहाँ पर ये पिंक बैगन तोड़ लिए हैं। कुछ ब्लैक बैगन हैं यहाँ पर, तो इन्हें भी हम तोड़ लेते हैं इन्हीं के साथ। तो ये हमने अभी जो हमारे मीडियम लॉन्ग बैगन थे, ब्लैक और कह सकते हैं पिंक, इन्हें हमने तोड़ लिया है, और इन्हें भी हम रख देते हैं यहीं पर हमारी सब्जियों के साथ। दोस्तों ये हैं हमारी मिर्च, लाइट ग्रीन कलर की, ये थोड़ी कम थिकी होती हैं, खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो आज हम यहाँ से इनकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और देखिए इस तरह से ये होती हैं, और पौधे हमने रेनी सीजन में लगाए थे तो बहुत सारी मिर्च के पौधे खराब हो गए लीफ कलर के कारण, कुछ पौधे बचे हैं, जो पौधे बचे हैं अब उनमें इस तरह से मिर्च लगने लगी हैं। ये ग्रो बैग भी 12 बाई 12 इंच है, जिसमें ये मिर्च के पौधे लगे हुए हैं, और आप देखिए यहाँ पर कितनी सारी मिर्च हैं। इस तरह से आप देख देख के जो बड़ी मिर्च हो गई हैं उन्हें तोड़ लीजिए। ये लाइट ग्रीन है, अब इसके साइड में आप देखेंगे तो एक हमारी मिर्च का पेड़ है, जो कि डार्क ग्रीन मिर्च उसमें लगी हुई हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए, अब हमने लगभग बड़ी बड़ी मिर्च तोड़ ली हैं, इस तरफ भी हैं और यहाँ पर भी हैं कुछ मिर्च, मैं तोड़ लेता हूँ इन्हें। ये देखिए, ये देखिए, तो कुछ इस तरह से ये मिर्च है, काफ़ी अच्छी है और तीखी, अगर आपको कम खानी है तो फिर आप इसे ज़रूर तोड़िए, मतलब लगाइए। और ये देखिए, ये डार्क ग्रीन कलर की मिर्च है हमारी, इस तरह से होती है ये। ये देखिए उस तरफ भी है, मम्मी की तरफ, तोड़ लीजिए। और इन मिर्च के पौधों को मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया था, तो पहले ये छोटे पॉट में ही लगे हुए थे, और ये देखिए मिर्च इस तरह से है ये, और फिर हमने इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी थोड़ी और मिट्टी डालेंगे, नीचे आप देख रहे हैं इनकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये हमने यहाँ पर ये मिर्च भी रख दी।
और यहाँ पर दूसरे मिर्च के पौधे और लगे हुए हैं, तो इनसे भी हम जो है मिर्च तोड़ लेते हैं। और मिर्च की ये समझ लीजिए पहली हार्वेस्टिंग है, पहले हमने बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं तोड़ी थी, तो अभी काफ़ी मिर्च हो गई हैं। और बीच बीच में हम तोड़ के भी ले जाते हैं जब हमें ज़रूरत होती है तो इन मिर्च को। तो ये देखिए 1, 2, 3 पौधों से मुझे इतनी सारी मिर्च मिल गई हैं। और आपको ये मिर्च कैसी लगी ज़रूर बताएं। इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये जो हमारी धनिया है ये अर्ली कोरिएंडर है, मतलब ये 30 दिनों में ही तैयार हो जाती है। और इसकी दूसरी हार्वेस्टिंग आज हम कर रहे हैं। पहले तो हमें लगा कि ये रीग्रो नहीं होगी, तो कुछ हमने पौधे उखाड़ दिए थे, उसके बाद हमने इसे छोड़ा। तो आप देखिए बहुत जल्दी लगभग 15 दिन में ही ये इतनी रीग्रो हो गई है और फिर से हमें हार्वेस्ट करने मिलने लगी है। तो बहुत अच्छी ये धनिया है, आप लगाना चाहें तो ज़रूर लगाएं और 12 महीने इसे उगा सकते हैं। इसके बीज जो है आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, अर्ली कोरिएंडर के नाम से इसके बीज मिलेंगे, तो वहाँ से खरीदिए और लगाइए। मैंने फिर से इसके जो है बीज अभी लगा दिए हैं एक बड़े ग्रो बैग में, और फिर वहाँ से हम इसे फिर से हार्वेस्ट करेंगे और ये लगातार हमें मिलती रहेगी। तो अगर आप धनिया खाने के शौकीन हैं तो ज़रूर इस धनिया को उगाएं, बहुत अच्छी धनिया है ये। इस तरह से आपको काट लेनी है पत्तियों को। अब हम थोड़ी सी इसमें मिट्टी डाल देंगे या खाद डाल देंगे, जिससे इसकी जो जड़ें हैं ये अच्छे से मिट्टी में कवर हो जाएंगी, तो ये फिर से उग जाएगी। तो देखिए ये जो है धनिया हमें आज मिली है इतनी अच्छी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। आपको ये कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये है मेरे नींबू, और नींबू के पेड़ में हमने काफ़ी नींबू तोड़े हैं, अभी भी कुछ नींबू लगे हुए हैं, तो मैं आज यहाँ से कुछ नींबू तोड़ लेता हूँ जो इस तरह से बड़े हो गए हैं। या तो आप इन्हें काट लीजिए या इस तरह से आप घुमाइए तो फिर आप इन्हें तोड़ पाएंगे। ये देखिए नीचे भी लगा हुआ है एक, और एक मुझे यहाँ दिखा। और इस नींबू के जो है आप देख रहे हैं कितना अच्छा नींबू है। इस नींबू के मैं पौधे तैयार कर रहा हूँ इस तरह से रूटिंग बॉल की हेल्प से, और जैसे ये आप देख रहे हैं तो ये नया पौधा बन जाएगा। और इसमें देखिए ऑलरेडी फूल आ रहा है, तो इसको मैं अभी जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होंगी मैं इसे यहाँ से कट करूँगा। लगाए हुए लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं, तो लगभग एक महीने में इसमें रूट बन जाती हैं, तो इसमें रूट बन जाएंगी, फिर हमारा नया पौधा तैयार हो जाएगा। एक ये एक ये, तो दो नए पौधे ये बन रहे हैं। और इस तरह से ये नींबू लगता है, 12 महीने इसमें नींबू आते हैं। बाकी ये कागजी नींबू की वेराइटी तो नहीं है, लेकिन नींबू इसमें 12 महीने ही आते हैं। तो आज हमने यहाँ से ये 4 नींबू तोड़ लिए हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों इसमें लगाई थी हमने अरबी, और अब जो अरबी हैं वो निकालने के लिए तैयार हो गई हैं। पौधे इस तरह से जब सूख जाएं हल्के और जब ये 4-5 महीने की हो जाए तो आप इन्हें निकाल सकते हैं। नीचे आपको इस तरह से अरबी भी दिख जाएंगी बनती हुई, ये भी पहचान होती है कि आपकी अरबी रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। तो आज हम यहाँ से जो है अरबी निकाल रहे हैं। अब मैं देखता हूँ कि इनको निकाल पाता हूँ कि नहीं। देखिए यहाँ से टूट गया है, तो खुरपा की हम मदद लेंगे और फिर इन्हें निकालेंगे इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पे हमें अरबी ये दिख रही है अरबी, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे हम निकाल पाते हैं। देखिए तो जहाँ जहाँ अरबी नहीं है वहाँ तो खुरपा आराम से जा रहा है, लेकिन जहाँ अरबी है वहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है। तो हमें इस ग्रो बैग को पलटना होगा तब जाके हमारी अरबी निकलेगी। ये देखिए जो इसमें अरबी बनी हुई हैं आप सामने देख सकते हैं, इस तरह से ये अरबी बनती हैं। ये देखिए आपको दिख रही होंगी। तो हम इस तरह से जो मिट्टी है इसे झड़ा देंगे तो फिर जो अरबी है वो निकल आएगी। तो मैं और मिट्टी को निकालता हूँ और फिर आपको पूरी अरबी जो है दिखने लगेगी। तो इस तरह से जो है अरबी
निकलती है। ये देखिए यहाँ पे अरबी मिल गई है। तो इस तरह से अरबी जो है ये जो ग्रो बैग है ये 24x12 इंच का ग्रो बैग है। और आप देखिए मिट्टी में केंचुए भी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये देखिए। तो इससे क्या है मिट्टी हार्ड नहीं होती है। ये देखिए पूरा मेरा अरबी का जो इसकी जड़ें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हैं। और इनके पत्ते भी हार्वेस्ट करते हैं हम, और बाद में इस तरह से हमें जो अरबी है वह भी मिल जाती है। और अरबी जो लगाई जाती है वो जो इसी अरबी से ही लगाई जाती है। ये जो अरबी होती है आप देखिए, मैं आपको एक अरबी निकाल कर दिखाता हूँ। तो ये देखिए इतनी अच्छी अरबी जो है बन गई है। आप इसे इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो ये एक यहाँ पर है और ये देखिए ये अरबी बन गई है। तो इस सारी अरबी को हम करते हैं अलग मिट्टी से और फिर आपको दिखाते हैं आज हमें कितनी अरबी मिली। तो देखिए इतनी सारी जो है अरबी आज मुझे मिल गई है। और इस अरबी को मैं क्या करूँगा, अभी आज यहीं छत पर ही छोड़ दूंगा। जब इसकी मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाएगी तो फिर इसकी मिट्टी को अच्छे से हम झड़ा देंगे, फिर इनको अच्छे से धो लेंगे और फिर हम इसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अरबी हमें मिली है। ये अरबी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएँ। बहुत ही ईजी टू ग्रो ये सब्जी है, आप भी इसे उगा सकते हैं, बड़े आसानी से हो जाती है। तो दोस्तों ये जो सब्जियां हैं आज मुझे मिल गई हैं मेरे छत पर बने हुए टेरेस गार्डन से। तो आज क्या क्या मिल गया है आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने तोड़े थे यहाँ पर टमाटर, तो देखिए कितने अच्छे हमें टमाटर मिले हैं और बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट है। आप टमाटर का साइज भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमें मिला है एक ड्रैगन फ्रूट जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ही मीठा ये निकलता है। चार हमने तोड़े हैं यहाँ पर ये नींबू। एक हमने तोड़ी है ये लंबी 6 फीट वाली लौकी जो कि अभी 3 से 4 फीट की हो गई है और हमने इसे तोड़ लिया है। और बाकी लौकी अभी लगी हुई हैं। यहाँ पे ढेर सारे बैगन, तो ये देखिए कुछ भरता बैगन, ये सीडलेस बैगन। इसके बाद यहाँ पे कुछ छोटे वाले हमारे जैसे ब्लैक और ये पिंक बैगन। साथ में यहाँ पे तोड़ी है हमने ढेर सारी मिर्च, देखिए कितनी अच्छी मिर्च हमें मिली हुई है आज। यहाँ पे हमने धनिया काटी हुई है, ये धनिया वही है जो 30 दिन में रेडी हो जाती है। और आज देखिए कितनी अच्छी ये धनिया की पत्ती हमें मिली हुई है। साथ में यहाँ पे कुछ ये बैगन धारीदार वाले छोटे बैगन, ये भी हमने तोड़े हुए हैं। और यहाँ पे निकाली हुई है ढेर सारी अरबी। तो आज की हार्वेस्टिंग में सबसे खास मुझे अरबी मिली। आपको कौन सी सब्जी जो है सबसे अच्छी और सबसे खास लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं। और आज की ये हार्वेस्टिंग आपको कैसी लगी उसके बारे में भी कमेंट्स करें। अगर आप भी मेरी तरह अपने घर की छत पर ही जो है सब्जियां उगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी मैं स्पेशली सर्दियों की सब्जियाँ लगाने की जो है तैयारी कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं गार्डन में जो है पूरी सफाई हो गई है और जो हमने ग्रो बैग हैं वो भर के रख लिए हैं। कुछ नए पौधे भी हमने लगाना स्टार्ट कर दिया है। देखिए ये बैगन लगा हुआ है, ब्लैक ब्यूटी बैगन है, बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लगी हुई है देखिए हमारी लौकी जो कि लंबी वाली लौकी है। इसके अलावा जो हमारी नॉर्मल लौकी होती है गोल वाली, वहाँ पर भी हमने उसके बीज जो है लगा दिए थे। तो ये पौधे यहाँ पर तैयार हो गए हैं। कुछ और पौधे में जो बीज लगाए थे तो उनके पौधे ये उगते हुए ही अभी आपको दिखेंगे। तो देखिए ये अभी पौधा उगा ही है। यहाँ पर हमने 56 कद्दू लगा रखा है, यहाँ पे हमने जुकनी लगा रखी है। देखिए ये जुकनी के पौधे कितने अच्छे चल रहे हैं। सामने जो टमाटर का नया बैच है वह रेडी हो रहा है। इस बैच में भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे जो है टमाटर बनने लगे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेरे गार्डन में मैं लगा रहा हूँ। इसका जो अपडेट है वो गार्डन टूर के वीडियो में आपको मिलेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की हार्वेस्टिंग कैसी लगी ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।